मालती जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस समय जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो गतिविधियां चल रही हैं, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। निश्चित ही राष्ट्रीय स्वच्छता लीग 2.0 ये पखवाड़ा चल रहा है। सबसे पहले हमने 7,500 लगभग लोगों को बुलाकर ऐसी जगह योगा करवाया जहाँ पर लोग सांस लेना मुश्किल होता था, उसको भोपाल नगर निगम के माध्यम से जो भानपुर की खंती थी वो खंती को इतना अच्छा बना दिया है कि हमने लगभग 7,500 लोगों को बुलाकर वहाँ पर योगा करवाया। उसके बाद हमने दूसरा कार्यक्रम करवाया कि हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं वो सफाई मित्र का हमने हेल्थ चेकअप करवाया, और उस हेल्थ चेकअप में हमने पूरी फुल बॉडी का चेकअप करवाया है, चाहे वो आइज़ का चेकअप हो, डेंटल चेकअप हो, हार्ट का हो, महिलाओं की जो प्रॉब्लम है, हर तरह के डॉक्टर को बुलाकर, और हमने 3 दिन तक जोन वाइज उसको डिवाइड किया और पूरे 21 जोन के हमारे सफाई कामगारों का हमने हेल्थ चेकअप करवाया। और उस चेकअप के माध्यम से हमने एक आभा आईडी बनाई है भोपाल नगर निगम में, और मुझे लगता है भोपाल नगर निगम देश का ये पहला नगर निगम होगा जिसमें ये आभा आईडी बनी है। उस आभा आईडी का हम कार्ड देंगे, और कार्ड देने के बाद में हमारे सफाई मित्रों ने जितनों ने उस दिन चेकअप करवाया और फ्यूचर में भी वो जांच यदि करवाने जाएंगे वो आभा आईडी लेकर जाएंगे, जैसे ही आभा आईडी कंप्यूटर में डलेगी उनका उस दिन के चेकअप की पूरी रिपोर्टें आ जाएगी। मतलब फ्यूचर में हमारे सफाई मित्रों के लिए कोई पर्चा कोई रिपोर्ट रखने की आवश्यकता नहीं है, आभा आईडी में पूरी चीज़ रजिस्टर्ड होकर व्यक्ति को जब चाहे वो जहाँ चाहे ट्रीटमेंट करवाने जाएगा उसके बॉडी की पूरी जांच उसमें रहेगी और वो दिखा सकता है। इस तरह का कार्यक्रम किया है। फिर हमने फ्लैग होस्टिंग करवाकर और लोगों को पब्लिक को जोड़ने के लिए हमने हमारा सबसे ज़्यादा भीड़ वाला एरिया है न्यू मार्केट का, हमने उस न्यू मार्केट में पब्लिक को सहभागिता बन सके इसलिए हमने वहाँ पर नुक्कड़ नाटक करके पब्लिक की सहभागिता करवाई है। डीबी मॉल में भी हमने पब्लिक की सहभागिता करवाई है, और हमने एक भोपाल नगर निगम में एक कंपटीशन रखा है कि जो सबसे ज़्यादा गंदी जगह है उसको हमने नगर निगम की एक लिंक बनाई है, उस लिंक में व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ग्रुप बनाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उस स्थान के फ़ोटो डालेगा, फ़ोटो डालने के बाद में उसको नगर निगम उसकी सफाई करके देगा, सफाई व्यक्ति को नहीं करना रहेगी, नगर निगम उसको सफाई करके देगा, और उस सफाई करने के बाद में उस स्थान पर परमानेंट सौंदर्यीकरण में जो ग्रुप करेगा उस ग्रुप को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार रखा है। पहला पुरस्कार हमने 51,000 का रखा है, और इसका पुरस्कार हम 2 अक्टूबर को देंगे। हमारे जो पैरामीटर हैं उस पैरामीटर के माध्यम से हमने उस कंपटीशन को लिया है और पब्लिक में हम ये चाह रहे हैं। उसके बाद एक और हम आगे कार्यक्रम करने वाले हैं 2 अक्टूबर को। हमारा ऐसा प्रयास है कि हमारे भोपाल में 85 वार्ड है और 85 पूरे वार्डों में हम एक साथ पब्लिक को सफाई की में सहभागिता बनाकर और एक नुक्कड़ नाटक हम पूरे 85 वार्डों में एक समय में एक साथ करवाएंगे। इस तरह का हमारा प्रयास है, और भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि आप सबका अपना भोपाल है और आप अपने भोपाल को स्वच्छता में आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आप सबके साथ में आप सबके सहयोग से भोपाल स्वच्छता में आगे बढ़ सकता है, इतनी अपेक्षा महापौर मालती राय और नगर निगम का हर एक कर्मचारी आपकी मदद लेने के लिए आतुर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार स्वच्छता पखवाड़े को आप एक बेहतर रूप बनाने के लिए काम कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं मालती जी कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें जनमानस कितना आगे आ रहा है और आपकी अपील को कितना स्वीकार करके इस पूरे भोपाल को एक भी बेहतर रूप देने के लिए प्रयासरत है। देखिए, पहले दिन जब हमने जो योगा करवाया था 17 तारीख को सुबह 9 बजे हमारा योगा हुआ था, उस दिन लगभग 7,500 से ज़्यादा लोग हमारे थे, और अभी हम
प्रतिदिन का जो हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं, सफाई कामगारों का हम हेल्थ चेकअप भी करवा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ भी हम जनता तक पहुँचा रहे हैं। तो लगभग हम 12 से 13 हज़ार लोगों का हम जाँच करवा चुके हैं, और हमने जो अभी 3 जगह तक मनुआ भान की टेकरी पे भी हमने जनता की सहभागिता के माध्यम से और वहाँ पर स्वच्छता अभियान किया, उसमें लगभग 300-350 लोग थे। हमने वोट क्लब पर स्वच्छता अभियान किया, 200-250 समथिंग लोग वहाँ पर भी थे, और न्यू मार्केट में भी हमने कार्यक्रम किए। आज की तारीख में यदि हम आपको बताना चाहेंगे तो लगभग हम 20,000 लोगों को टच कर चुके हैं जो स्वच्छता में भोपाल नगर निगम की सहभागिता कर रहे हैं। आपने कुछ स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी तैयार किए हैं, उनकी भूमिका इस समय आप क्या देख रहे हैं कि उनका जो रोल है वो कितना काम आ रहा है? निश्चित ही जो हमारे एम्बेसडर हैं वो भी पूरी तरह से भूमिका निभा रहे हैं, और जिस विधा में भी हो सकता है वो पूरी तरह सहयोग करके भोपाल को स्वच्छता में आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि वर्ष 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, और इतने वर्षों में हम देख रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर एक आंदोलन खड़ा हो गया है और लोग खुद जागरूक हो रहे हैं। भोपाल में अभी कौन कौन सी जगहों पर आप ऐसी चिन्हित आपने की हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है ताकि स्वच्छ भारत अभियान को आत्मसात करते हुए भोपाल उसमें भी कामयाबी के शिखर पर पहुँचे? निश्चित ही जो बहुत छोटी गलियां हैं जहां पर हमारी कचरा वाली गाड़ी डोर टू डोर नहीं पहुंच पाती है, वहां की जनता को थोड़ी सी परेशानियां हो रही हैं कि उनको बाहर निकलकर आकर और कचरा देना पड़ता है। वैसे भोपाल का प्रयास है, भोपाल की जनता का प्रयास है, भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों का प्रयास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना लेकर 2014 में जो अभियान किया है वो भोपाल की जनता के मनो मस्तिष्क में आ चुका है कि हमारा भोपाल भी स्वच्छ रहना चाहिए। तो इससे पहले कि हम बातचीत को समाप्त करें, भोपाल की महापौर होने के नाते क्या निवेदन है, क्या अपील है आपकी भोपाल की आवाम से? भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि भोपाल नगर निगम के कर्मचारी आपकी एक आवाज़ पर खड़े हुए रहते हैं, चाहे स्वच्छता के मामले में हो, चाहे हम पानी देने के लिए हो, चाहे लाइट की समस्या हो, किसी भी तरह से जन सुविधा को प्रतिदिन देने का जो काम करता है वो भोपाल नगर निगम ही करता है। भोपाल नगर निगम का हर एक कर्मचारी जनता की एक आवाज़ पर पूरा काम करने का प्रयास करता है। जनता से आग्रह है कि निगम के कर्मचारियों के साथ आप भी उनका सहयोग करें, भोपाल को स्वच्छ बनाने में जनता की सहभागिता के माध्यम से ही भोपाल आगे बढ़ सकेगा। इतनी ही बात कहकर मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद भी करती हूँ और विश्वास भी रखती हूँ कि भोपाल की जनता स्वच्छता में सहभागिता करके भोपाल को स्वच्छता में आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी। और हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि आपकी जो अपील है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे स्वीकार करके अपना योगदान देंगे स्वच्छता के लिए। हमसे बातचीत की आपने मालती जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।